जंगल से चोरी करके ले जाई जा रही सागौन के बूटों से लदी पिकअप के साथ लकटा पका गया। जनपद लखीमपुर खीरी स्थित दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर जोन मैलानी अंतर्गत चलतुआ बीट में 2 जुलाई की रात्रि वन माफियाओं द्वारा चोरी से सागौन के पेड़ काटकर गायब कर दिए गए थे, जिसके चलते मैलानी रेंज में हड़कंप मच गया था। दुधवा टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक मनोज सोनकर ने वन माफियाओं के इस कृत्य का खुलासा करने के लिए सभी वन कर्मियों व पाक कर्मियों को लगा दिया था। मुखबिर से प्राप्त पक्की सूचना के आधार पर स्वयं उपनिदेशक मनोज सोनकर ने अपने साथ बाडन तौफीक अहमद, आलोक शर्मा वन रेंज अधिकारी विनकटी, शत्रुघ्न लाल रेंजर, ललन स्वरूप रेंजर किशनपुर, वीपी सिंह रेंजर के साथ दुधवा टाइगर रिजर्व के किशनपुर व मौलानी में तैनात स्पेशल टास्क फोर्स के जवानों को साथ लेकर पड़ोसी जिले पीलीभीत के रायपुर गोराग्राम में छापा मारा और छापा मारकर चलतुआ बीट से चोरी किए गए सागौन के बोटों से लदी एक पिकअप संख्या यूपी 71B6314 के साथ एक वन माफिया मनोल्ला पुत्र जकी उल्ला को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए वन माफिया को वन अधिनियम की समुचित धाराओं में मुकदमा कायम कर जेल भेज दिया गया है। अन्य अपराधियों की तलाश है। वहीं घटना में प्रयुक्त पकड़ी गई पिकअप एवं सागौन के बोटों को जब्त कर मैलानी रेंज पहुँचा दिया है। BS लाइव न्यूज से बसंत मांझी की रिपोर्ट। आज के समाचार में इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले समाचार के साथ। देखते रहिए BS लाइव न्यूज।